हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी एंड मैं हूँ शिवी। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके हर पूछे जाने वाले सवाल का जवाब, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या फिर वो लैप्रोस्कोपी सर्जरी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसका जवाब मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगी। एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाऊँगी आपके सवाल के ऊपर। सो आज मैं हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। गाइस, जो मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसमें आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे। आप लोग जानना चाह रहे थे कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद कब इंटरकोर्स करना चाहिए, कब संबंध बनाना चाहिए। सो आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी यानी दूरबीन वाली जाँच कराने के कितने दिनों बाद आपको इंटरकोर्स करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नाउ आई एम 8 मंथ प्रेगनेंट, और ये जो प्रेगनेंसी मैंने कंसीव करी है ये मैंने लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद ही की है। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आती हूँ वीडियो में कुछ भी भूल के चली जाती हूँ, क्योंकि गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो या तो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं या फिर जो डॉक्टर ने मेरे को बताई हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे पता है कि ना, जब कोई लड़की माँ बनना चाहती है और नहीं बन पा रही होती है तो उसको कितना सारा टेंशन हो जाता है, मेंटली फिज़िकली कितनी सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं। और पता है क्या, तब हमें लगता है कि ना, कहीं से भी हमें कोई सही राय देने वाला हो, हमारे बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हम डॉक्टर से भी नहीं पूछ पाते हैं, तो उनका जवाब देने वाला हो। तो यही मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको दूँ, आपको बताऊँ कैसे क्या मेरे साथ हुआ, डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो बहुत हो गई बातें और अभी आते हैं मेन पॉइंट पे और वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस, एक्चुअली होता क्या है कि जब आपकी लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, खासकर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए लैप्रोस्कोपी सर्जरी करा रहे हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए आपने लैप्रोस्कोपी कराई है मेरे जैसे, तो क्या होता है कि ना, अब लैप्रोस्कोपी सर्जरी हो गई है, अब हमें बस ये रहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें कंसीव करना है। और कंसीव जब भी होगा, जब हम इंटरकोर्स कर रहे हैं तो हमें थोड़ा जल्दी रहती है इंटरकोर्स करने की, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। तो पता है क्या होता है कि जब लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है ना, आधे से 1 सेंटीमीटर के 3 कट्स आपको लगाए जाते हैं। एक आपको नाभि के पास लगाया जाएगा, 2 आपको साइड में लगाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे एक नाभि के पास लगाया गया था और एक यहाँ साइड में, थोड़ा सा नीचे फैंटी लाइनिंग होती है ना वहाँ पे, तो उससे भी और नीचे। तो क्या होता है गाइस कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि जब आपके टाँके अच्छी तरीके से सूख जाएँ, अच्छे से ड्राई हो जाएँ, और टाँके ना मतलब कई तरीके के लगाए जाते हैं, एक तो होते हैं कि ना अपने आप गल जाते हैं, एक होते हैं जिनको कटवाने आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, जैसा मेरा था, मेरे को जो टाँके लगाए गए थे उनको कटवाने मेरे को डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो क्या होता है गाइस, जब आपको टाँके लगे होते हैं तब तो आपको बिल्कुल भी इंटरकोर्स नहीं करना होता है। जब आपके टाँके जो स्टिचेस लगे हुए हैं आपको, वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, कट जाते हैं, 6 से 7 दिन लगते हैं उनको अच्छे से ड्राई होने में, और वो कट जाते हैं, डॉक्टर उनको कट करके निकाल देते हैं, आपकी स्किन अच्छे से जुड़ जाती है, उसके बाद ही आपको इंटरकोर्स करना चाहिए, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में आपको 10 दिन लग सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोलूँगी कि आप लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने के 10 दिनों बाद इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो पूरी तरीके से सहमत होनी चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि अभी अभी आपका लैप्रोस्कोपी हो के चुका है। अगर आप वीक फील नहीं कर रही हैं, आपको लग रहा है कि आप ठीक हैं, आप इंटरकोर्स कर सकती हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको टाँकों में प्रॉब्लम लग रहा है, आपको पेन हो रहा है, पानी आ रहा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूँगी कि आपको इंटरकोर्स नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि देखिए, आपका लैप्रोस्कोपी सर्जरी हुआ है, आपको स्टिचेस लगे हुए हैं, तो उनको निकलवाने तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाना ही है, तो आप क्यों ना डॉक्टर से ही एक बार पूछ के आएँ कि डॉक्टर हमें अब इंटरकोर्स कब करना है। क्योंकि क्या होता है ना, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी की स्किन अलग तरीके की होती है, किसी की स्किन अलग तरीके की होती है, तो डॉक्टर आपको अच्छे से बता देंगे। और गाइस प्लीज़, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तो आप पूछ के आएँ। लेकिन अगर आप नहीं पूछ पा रही हैं, आप मुझ पे डिपेंड हैं, आप मुझसे जानना चाहते हैं, क्योंकि होता है ना, नहीं पूछ पाते हैं,
तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लैप्रोस्कोपी सर्जरी कराने के 10 दिनों बाद बहुत ही आराम से इंटरकोर्स कर सकते हैं। बस आपकी पार्टनर इस चीज़ को लेकर सहमत होनी चाहिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, सो गाइज आई जस्ट होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी मुझसे कुछ मिस हो रहा है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो ठीक है गाइज, ये था आज का वीडियो। आई जस्ट होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर देना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।